अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पालक गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और गोश्त को हम किसी भी सब्ज़ी में डालकर बनाते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये 1 किलो मटन ले लिए हैं। इसको हमने एक बड़ी साइज़ की प्याज, 2 तेज़ पत्ते, 1 फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, नमक और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिए और 1/2 ग्लास पानी ऐड करके इसे बॉईल कर लिए हैं। अब हमने एक बंच पालक को वॉश करके इसे भी कट कर लिए हैं। और हाँ, मटन और पालक की क्वांटिटी हमें सेम ही रखना है। और 2 बड़ी साइज़ की प्याज को स्लाइस्ड कर लेंगे, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्ची। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लेंगे। अब इसमें प्याज ऐड कर लेंगे और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज को जल्दी पकने के लिए इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर लेंगे। इससे प्याज जल्दी लाल हो जाती है और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि ये सब तरफ से इक्वली ब्राउन हो। और जब ये हल्की सी लाल होने लगे तो फ्लेम को लो कर देंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे। अब हमारी प्याज अच्छी तरह से लाल हो चुकी है। इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हरी मिर्ची और टमाटर भी ऐड कर देंगे। और मिक्स करके 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर रखकर इसे पका लेंगे। इससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 2 मिनट भून लेना है ताकि मसाले का कच्चापन हट जाए और अच्छी खुशबू आने लगे। अब मसाले अच्छे से पक चुके हैं, इसमें बॉईल किया हुआ मटन ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मटन का सूप हमें बाद में ऐड करना है। अब इसमें कटी हुई पालक ऐड कर देंगे। पालक को हम थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे और इसे हिलाते जाएंगे। अब इसमें मटन का सूप ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर 10 मिनट पका लेंगे। हम इसको ड्राई करेंगे, इसके लिए फ्लेम को लो पर रखकर इसका पानी पूरी तरह ड्राई कर लेंगे। और देखिए, हमारी पालक गोश्त बनकर रेडी हो चुकी है। हम इसे सर्व कर लेंगे। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसे रोटी के साथ सर्व करेंगे और ये बहुत ही मज़े का बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और फैमिली के साथ इंजॉय करें। और रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।